पिक्चर चालू करो बे। अभी हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो इधर पे अपन लोग चलेंगे, अंदर से पूरा देखेंगे। इसकी फ़ीस है जहाँ तक 100 रुपीज़ है एंट्री फीस, तो यह 100 रुपीज़ दे के अंदर जाने का रहेगा। तो अभी अपन का सेकंड डेस्टिनेशन मुंबई का यही है, तो हम लोग सेकंड डेस्टिनेशन में इसी संग्रहालय में जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट लोग अपना आर्ट वर्क प्रदर्शन करवा रहे हैं, बेचने के लिए लगाए हैं। तो आइए आपको वो दिखा देते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे का कुछ करते हैं। म्यूज़ियम जाने से पहले बाहर जो पेंटिंग्स हैं उसको दिखा दी जाए। ये देखिए, जैसे कि ये पेंटिंग्स हैं, ये खुद हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स हैं, तो ये सेल करने के लिए लगी हुई है। हाँ, ख़रीद भी सकते हैं इसको, बाय करने रेट भी अभी हम लोग पूछ लेंगे। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे ये टिकट आर्ट ऑन इंस्टाग्राम में ये है, इसी के तरीके से ये आर्ट वर्क आप ले खरीद सकते हैं। इसके प्राइस भी दिया हुआ है 100, 150 रुपये, 100 रुपये। तो जैसे कि आप यहाँ आर्ट म्यूज़ियम आएंगे तो आपको अगर ये सब पसंद होगा तो आप ख़रीद भी सकते हैं। ये शेडेड वर्क है और ये सब पेंटिंग्स हैं। ये प्राइस भी दी हुई है 10,000 रुपये प्राइस है इसकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की। और इसी तरीके से ये स्केच वर्क जो मैं बनाता हूँ, ये जो है पूरा स्केच वर्क बनाते हैं, इनसे हम लोग प्राइस भी पूछेंगे एक स्केच वर्क का कितना होता है। यहाँ हम 100 रुपये की टिकट लेते हुए, 100 रुपये की टिकट है, ये एंट्री पास है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये फर्स्ट स्कल्पचर है। अब यहाँ से अपन बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अंदर चलते हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे आर्किटेक्चर की वो सेट्स बना रहे थे। अब हम लोग अंदर चलते हैं, यहाँ पुलिस खड़ी है इसलिए मैं वीडियो बंद कर। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पे आते ही साथ मेरे को एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे जैसे ही मैं आया ना, तो एक अलग से अंदर से आर्टिस्ट वाली फीलिंग आ रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पूछा तो यहाँ टिकट लेना पड़ता है, फ़ोटो लेने का भी पास रहता है। बहुत ही अच्छी जगह लगी है। अभी तो हम मूर्ति वाले सेक्शन में जा रहे हैं, स्कल्पचरिंग वाले सेक्शन में हैं, और अब आगे हम लोग जाएंगे पेंटिंग वाले सेक्शन में। तो ये हम आपको पूरा टूर करा रहे हैं अंदर का, एक से एक बढ़कर एक प्राचीन मूर्तियों का टूर करा रहे हैं। अंदर फ़ोन लाना अलाउड नहीं है, अलाउड भी है तो 100 रुपीज़ चार्ज है। मैंने बर्ड स्कल्पचरिंग में आ गए हैं, यहाँ पे बर्ड्स के सैंपल्स हैं पूरे। यहाँ पे आपको बर्ड्स ही बर्ड्स देखेंगी, मोर से लेके सारे स्कल्पचर, डाइनोसॉरस और जितने भी प्रजातियों की बर्ड्स हैं आप अच्छे से देख सकते हैं। ये म्यूज़ियम बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो अगर आपको यहाँ आना हो तो आप ज़रूर आ सकते हैं। अब हम लोग आ गए एनिमल किंगडम में, यहाँ पे हर एनिमल के आपको स्कल्पचर मिल जाएंगे, मूर्ति बनी हुई मिल जाएगी। हमारा लेपर्ड भी है यहाँ पे।
सेकंड फ्लोर पे यहाँ पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर भी हैं, बहुत ही प्राचीन स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, बहुत ही डिटेल, बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स है ये, प्राचीन आर्टिस्ट लोगों ने। राम जी, शंकर जी, ये है इनकी फिनिशिंग। अच्छा, हम लोग चलते हैं ज्वेलरी। ये कॉइन्स हैं प्राचीन जमाने के, पूरे कॉइन्स वगैरह लगे हुए हैं, गोल्ड गोल्ड रियल गोल्ड से लेके तलवार है, और पूरा हमारा बहुत ही प्राचीन म्यूजियम है यहाँ पे। कॉइन छपेगा यहाँ पे, ज्वेलरी है पुराने जमाने में, जो ज्वेलरी और बॉक्स ऑफ रेयर करते थे वो सब हैं मिलेंगे यहाँ पे। कैसे क्या हुआ करता था, मतलब कैसे अपने आप को डेवलप किए थे, पूरी कहानी। ये ऑयल पेंटिंग के लिए मटेरियल्स, स्कल्पचरिंग के लिए मटेरियल्स, ये पेंटिंग्स हैं, बहुत ही प्राचीन पेंटिंग्स हैं ये। जगह की तलवारें हैं और भाले हैं, जो भी युद्ध में सामग्री यूज होती थी। भाले और मटेरियल, मूर्तियाँ, और ये नटराज, इंडियन मेटल डेकोरेटरी आर्ट गैलरी। तो ये हम लोग सेकंड फ्लोर का पूरा करने से पहले यहाँ आ गए। ये वाले एरिया में अंदर मोबाइल लेके नहीं जाऊँगा, जब्त हो जाएगा, इसीलिए मैं यहीं से आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।